सलमान साहब जैसे अच्छे इंसान को गलत फहमी में क्यों रखूं मैं? तो तुम्हें किसने कहा गलत फहमी में रखूं यार? तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं झूठ बोलूं, उन्हें ना बताऊं कि मैं मैरिड हूं, एक बच्ची की माँ हूं। ये समझ नहीं आती आज तक मैंने तुम्हारे से जिंदगी कैसे गुजारी। आज अचानक तुम्हें इस बात का ख्याल कैसे आ गया? उस लड़की की वजह से क्या हो रहा है ये सब? तुम कब आई हो? आई तो मैं अभी हूं, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो आज संडे था, मैंने सोचा मैं इस कुरुतलैन को यहीं उभरा लूं और यहीं प्रिपेयर कर लें। और ये चली आई, बड़ी बात है सलमान। मेरा ख्याल था कि तुम अपनी ये हरकतें सिर्फ ऑफिस तक महदूद रखोगे, बट आई वॉज रॉन्ग। अब तुमने ये सब कुछ घर में भी करना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो महरीन? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही ये घर मेरा भी है। मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ सर। नहीं नहीं आप बैठे। क्यों, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, बैठो ना अभी। सलमान ने आखिर तुम्हारे लिए इतना एहतमाम किया है, डिनर करके जाना। अब शुक्रिया, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बैठो। लेकिन मेरे आने से पहले तो तुम बहुत रिलैक्स बैठी थी, ऐसे लगता था जैसे रात। महरीन, तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारी मेहमान ही है। मेहमान होगी तुम्हारी, मैं ऐसी थर्ड क्लास औरतों से बात करना भी पसंद नहीं करती। घर बुलाना तो बहुत दूर की बात है सलमान। एनी प्लीज बात सुनिए। वाह, कुरुतलैन से एनी तक का सफर तय कर लिया आपने, बड़ी फ्रैंकनेस है तुम्हारी सलमान। मैंने कहा था मुझे नहीं जाना, जबरदस्ती भेज दिया, इंसल्ट हो गई मेरी। ये बेटी ने भी अभी खत्म होना था, किस मुसीबत में फंस गया। क्या था एनी, आप प्लीज आप चले मेरे साथ, मैं आपको घर छोड़ रहा हूँ, प्लीज आए। मुझे गाड़ी में नहीं जाना, प्लीज आप चले। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आप मौसम खराब होने वाला है, आप प्लीज आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, प्लीज आप जाए। देखिए मैं, मुझे पता है मेरी बीवी ने आपको सच्चा सलूक नहीं किया, इसके लिए मैं माफ़ करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर प्लीज आप सॉरी मत करें, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप प्लीज आए, आए मुझे एनी प्लीज आ जाए। हम जैसे थर्ड क्लास लोगों को पैदल चलने के लिए, प्लीज आ जाए। एनी नान बेटा, अभी तक जाग रहे हो? सुबह ऑफिस भी तो जाना है, सो जाओ जाके। जी आंटी जाना है, बस वो ऑफिस का कुछ काम है, खत्म करके सोता हूँ। एनी सो गई? नहीं। आप कमरे में? नहीं अभी तक आई नहीं है वो। अभी तक नहीं आई और तुम इतने आराम से बैठे हुए हो, फोन करो उसे। जी मैंने कॉल किया है अभी, फोन बंद है उसका, बैटरी डेड हो गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। फोन बंद जा रहा है, या अल्लाह खैर,
किसी और को फोन करके पता करो ना। दी आप जाके सो जाएं, क्यों फिक्र कर रही हैं, आ जाएगी वो, परेशानी की बात नहीं है। एनी ले आ गई एनी, यहां आना बेटा। ये एनी को क्या हुआ है? पता नहीं, मैं देखती हूँ। नहीं आप रहने दे, मैं पूछता हूँ, देखता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ नहीं है। इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? अब तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत ही क्या है? मिल जो गई है तुम्हें बातें करने के लिए। महरीन तुम हद से गुजर रही हो। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या हो सकता? क्या मतलब क्या हो सकता? एक इज्जत ही तो थी मेरे पास, वो भी। क्या हुआ? सलमान साहब ने कुछ कहा? उन्होंने क्या कहना, उनकी बीवी आ गई थी। फिर मेरे बारे में इतनी घटिया बातें की कि मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। अब मुझे कुछ भी कहने पर मजबूर मत करना। अच्छा नहीं कहूंगा, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। रोने की क्या बात है इसमें? मुझे मेरी इज्जत नब से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। मैं जानता हूं एनी, लेकिन क्या लेकिन? एनी तुम जानती हो ना सलमान साहब तो क्या किसी भी मर्द के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, तो फिर तुम फिक्र क्यों करती हो? लोग कुछ भी कहते रहे। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन एक औरत के लिए उसकी इज्जत उसकी जिंदगी से भी ज्यादा महंगी है। और मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए। देखो तुम जानती हो ना तुम्हारे दिल में सलमान साहब के लिए कुछ नहीं है, तो कोई कुछ भी कहता रहे क्या फर्क पड़ता है? मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ नहीं है। इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? अच्छा देखो, मेरे कहने पर ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम गुजार लो, कोई बड़ा कदम मत उठा लेना जिससे हमें नुकसान हुआ। और वैसे भी अगर तुम इस बात को सीरियस लोगी तो बॉस की भी यही समझेगी ना कि उनका शक ठीक था। अच्छा रोना तो बंद करो यार, मुझे अपनी बीवी का ये उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसे देखो, मैंने कहा ना यार चेहरा, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। अच्छा चलो लो जाके फ्रेश हो। आ गए तुम, छोड़ आए अपनी महबूबा को। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ, और जो तमाशा तुम कर रहे हो। क्या तमाशा कर रहा हूँ? एनी को मैंने यहाँ बुलाया था आज काम करने के। तुमने इतनी बदतमीजी की है उसके साथ, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वाह, तुम्हें इस बात की फिक्र है कि उसको कैसा लगेगा, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी बीवी जब घर आएगी तो तुम्हारी ऑफिस की वर्कर को तुम्हारे साथ बगैर मेरी इजाजत के यहां बैठा देकर कैसा लगेगा उसे, और वो भी मेरे घर में। तुम्हारा घर? तुमने कब इस मकान को अपना घर समझा है?
सलमान तुम मुझे बातों में मत उलझाओ। तुमसे मैं बात ही नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, अब तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत ही क्या है, मिल जो गई है तुम्हें बातें करने के लिए। महरीन तुम हद से गुजर रही हो। अच्छा, मैं हद से गुजर रही हूँ या सलमान? मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं करोगी तुम? मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, अगर कल मैं तुम्हें इसी घर में किसी गैर मर्द के साथ मिलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? गैर मर्द जितनी वो गैर है, तुम्हारे सारे दोस्त भी मेरे लिए गैर हैं। सलमान, तुम मुझ पर तोहमत लगा रहे हो। खुद पर तोहमत लगी तो तुम्हें पता चला ना। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, किसी पर तोहमत लगाना बहुत आसान होता है। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर मैंने उसको कुछ कह दिया तो? महरीन, इस मामले में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता तुमसे, समझी तुम? मैं भी देखती हूं सलमान, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं आने दूंगी।
बेटा काम चाहे जितना भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने घर को, अपने शौहर और अपनी बच्ची को टाइम दो, ये ज्यादा जरूरी है। तो मां जिस स्टेटस पर हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जिस दिन मैं चाहूं, मैं तुमसे ये स्टेटस छीन भी सकती हूं और तुम्हें दरबदर भी कर सकती हूं। आज स्कूल चला गया? जी चला गया। क्या हुआ सादिया? ये सुबह सुबह चांद सा चेहरा मान क्यों पड़ा हुआ है? उफ तौबा, एक आप और एक आपकी शायरी। दिन में कौन सा चांद होता है? भाई दिन हो या रात हो, हमारी जिंदगी का महवर हमारी चांदनी आप ही तो है। उफ तौबा, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? 8 साल हो चुके हैं शादी को और आपका रोमांस है कि खत्म ही नहीं होता। आपसे किसने कह दिया कि शादी के बाद रोमांस खत्म होता जाता है? यहाँ तो उल्टा रिवाज है, और ऊपर से इतनी प्यारी, इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी हो, मैं तो कोई मौका ना जाने दो। अरे बाबा बस बस बस, तौबा तौबा तौबा, इतनी नाशुक्री, इतना चाहने वाला शोहर सूरज लेकर भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। मुझे ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ेगी, मेरे पास है ना मेरा हमसफर। अच्छा तो ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? सच बोलूं या झूठ? नहीं आपने तो झूठ ही बताना है मुझे। असल में रात भर सो नहीं पाई मैं। पर क्यों? रात भर आपके दोस्त की बीवी के बारे में जो सोचती रही हूँ। उसकी बीवी? एनी बेबी की बात कर रही हो? हाँ, और रात भर सोचने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि गलती उसके शोहर की है। तो उसका कसूर क्या? मतलब क्या कहना चाह रही हो? देखिए मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। अगर किसी की बीवी रात भर तक बाहर किसी गैर मर्द के साथ फिरेगी तो कसूर किसका होगा? कर दी ना टिपिकल औरतों वाली बात। बेगम उनका जाती मामला है, तुम क्यों सोच रही इस बारे में, क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा ठीक है, नहीं सोचती मैं इस बारे में, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं। जी कहिए। आप ना उससे मिलना जुलना बंद कर दें। अच्छा बाबा, नहीं मिलता, आप खुश? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। चला जाऊं ऑफिस? अब जाएं, मेरे कहने से आपने रुक जाना है? शायद अगर आप कहें तो मैं रुक भी जाऊं। आप जाएं यहां से। ओके खुदा खुदा हाफिज। आपका भाई, जब तुम अपनी सोचों में गुम थे, बस ऐसे ही। बेटा मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से तुम परेशान रहने लगी हो, माँ को नहीं बताओगी? नहीं अम्मी, वो ऑफिस में काम ज्यादा है बस इसीलिए। अच्छा तुमने अपनी माँ से
कब से ये बातें छुपानी शुरू कर दी? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जो भी, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहती थी कि कहें बेटा, काम चाहे जितना भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने घर को, अपने शौहर और अपनी बच्ची को टाइम दो, ये ज्यादा जरूरी है। क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल सकूं, लेकिन ऑफिस में काम ही इतना ज्यादा होता है अम्मी, और मैं इसलिए बेफिक्र हो जाती हूँ कि आप तो हैं ना घर पे। बेटा मैं तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। बेशक अदनान तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन उसका अकेलापन मुझे दिखाई देता है। अदनान ही नहीं चाहते कि मैं नौकरी छोड़, मेरे बस में हो तो मैं आज ही नौकरी छोड़ दूं अम्मी। लेकिन बेटा ये कोई मसले का हल तो नहीं है अम्मी, आपको तो पता है हमारे घर के अखराजात कितने हैं, अगर हम दोनों काम ना करें तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सही बेटा, मैंने तुम्हें अकेले पाला है, खर्चे तो उस वक्त भी बहुत होते थे, लेकिन मैंने तुम पे कभी काम को फौकियत नहीं दी। मैं जानती हूँ अम्मी। तो फिर अच्छा ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि घर को टाइम दे सकूं और आपको शिकायत का मौका ना मिले। चलो बहुत अच्छा, आप जल्दी से आ जाओ, अदनान और निम्रा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप चले, मैं आ रही हूँ। मैं आपको कैसे बताऊंगी, मैं ऐसे दोराहे पे खड़ी जहाँ पीछे कुआं है और आगे खाई, अगर नौकरी छोड़ती हूँ तो घरेलू अखरा जाते और अदनान की नाराजगी, और अगर नौकरी करती हूँ तो सलमान साहब, उनकी आंखें पता नहीं क्या क्या कहती रहती। क्या करूं? एनी, आ रही हूं। ये लो बेटा। सलमान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देना, अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? मेरी इन पैसे दरख्तों पे नहीं लगते कि मैं तोड़ तोड़ के तुम्हारी डिमांड्स पूरी करता रहूं। और जो अय्याशियां तुम करते फिर रहे हो वो? बेटे आप अपने कमरे में जाएं। इसको क्यों भेज रहे हो? आखिर इसको भी तो पता होना चाहिए ना कि इसके बाप के क्या करतूत है। इसे जाने दो कि हमारा मामला हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिमशा सुनेगी कि उसका बाप क्या गुलछरे उड़ाता फिर रहा है। नहीं बेटे आप जाएं प्लीज। मेरी तुम हद से बढ़ रही हो। क्या हद हद की रट लगा रखी है तुमने? तुम अपनी सारी हदें तोड़ते जाओ और मुझसे कहते हो कि मैं अपनी हद पार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। हाँ हाँ, अब तुम मेरे मुंह क्यों लगोगे? अब तुम्हें कोई और जो मिल गई है। नहीं। बस मत समझना सलमान कि मैं उन औरतों में से हूँ जो शौहरों से मार खाती हैं और सोफों के पीछे घुस के रोती हैं। याद रखो, तुम आज इस स्टेटस पर हो ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जिस दिन मैं चाहूं मैं तुमसे ये स्टेटस छीन भी सकती हूँ और तुम्हें दरबदर भी कर सकती हूँ। मेरी तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ, तुम याद रखोगी सारी जिंदगी। क्या क्या कर दोगे तुम? मैं भी तो देखूं कि आखिर सलमान साहब ऐसा क्या कर सकते हैं। Yes.
रात भाभी को और सलमान साहब को होटल में देखा था। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। कैसी लगी आपको वो आंटी? मामा वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो फिर से मुझे मिलने आएंगी। अच्छा।